स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल BCT News पर। यहां हम आप तक पहुंचाते हैं देश और दुनिया की हर बड़ी खबरें आप तक। BCT News, हर खबर आप तक। भगवान राम के भक्तों के लिए मंगलवार का दिन काफी मंगलमय रहा। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन तो आज यानी कि बुधवार को होना है, लेकिन इससे पहले ही मंगलवार को नए मॉडल की तस्वीर सामने आ गई। भूमि पूजन का 3 दिवसीय अनुष्ठान सोमवार सुबह 9 बजे से ही शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भूमि एवं शिला पूजन किया जाना है। इस दौरान कई सारे लोगों को भी इनवाइट किया गया है। मंदिर निर्माण के पुराने मॉडल में काफी बदलाव किया गया है। मंदिर के नए मॉडल में ऊंचाई, आकार, क्षेत्रफल और बुनियादी संरचना में भी काफी परिवर्तन किया गया है। आर्किटेक्ट प्रोजेक्ट के अनुसार मंदिर को बनकर तैयार होने में 3 से 3.5 साल तक का समय लग सकता है। मंदिर 3 मंजिला होगा और यह वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाया जाएगा। मंदिर के शिखर की ऊंचाई बढ़ाकर 161 फुट कर दी गई है। इसके साथ ही गुंबदों की संख्या भी 3 से बढ़ाकर 5 कर दी गई है। मंदिर के जमीन का आकार भी बढ़ा दिया गया है। राम मंदिर की ऊंचाई में 33 फीट की वृद्धि की जा रही है, इसी वजह से एक और मंजिल बढ़ाना पड़ा है। मंदिर के पुराने मॉडल के हिसाब से मंदिर की लंबाई 268 फीट 5 इंच थी, जिसे कि अब बढ़ाकर 280 से 300 फीट तक किया जा सकता है। जहां रामलला का गर्भगृह बनेगा उसके ऊपर के हिस्से को ही शिखर बनाया जाएगा। मंदिर में 5 गुंबद होंगे। पहले के मंदिर मॉडल में सिर्फ 2 ही गुंबद थे, लेकिन नए मॉडल में मंदिर की भव्यता को और बढ़ाने के लिए इसे 5 कर दिया गया है। राम मंदिर के 5 गुंबदों के नीचे के हिस्से में 4 हिस्से होंगे। इसमें सिंह द्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप बनेंगे। यहाँ श्रद्धालुओं को बैठने, विचरण करने और विविध कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भी जगह रहेगी। राम मंदिर के प्रस्तावित मॉडल में गुंबद की भव्यता देखते ही बन रही है। मंदिर की भव्यता बढ़ाने के लिए इसका जमीनी क्षेत्रफल भी बढ़ाया गया है। राम मंदिर के नए मॉडल के मुताबिक पूरे मंदिर में कुल 318 स्तंभ लगाए जाएंगे। मंदिर के प्रत्येक तल पर 106 स्तंभ बनाए जाएंगे। मंदिर के शिल्पकार चंद्रकांत सोमपुरा की माने तो मंदिर बनने में कम से कम 100 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि यह खर्च बढ़ भी सकता है। राम मंदिर का डिजाइन नागर स्टाइल का है, इसे शिल्प शास्त्र को दिमाग में रखकर बनाया गया है। 5 अगस्त को नींव की पहली ईंट रखे जाने के बाद मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। मंदिर के पूरी तरह से निर्माण हो जाने में कम से कम 3.5 साल का समय लग सकता है। अब लोगों को बस इंतजार है कि यह समय जल्द से जल्द पूरा हो और एक बार फिर से जन्मभूमि मंदिर में निर्वंद रूप से भगवान राम का दर्शन शुरू हो सके।